कोरोना वायरस तहदीदात के खात्मे के साथ ही महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से टैंकबंड पर शुरू किए गए संडे फंडे प्रोग्राम के अहिया के सिलसिले में इकदामात का जायजा लिया जाने लगा है और तवक्को है कि आइंदा इतवार से टैंकबंड पर संडे फंडे की शुरुआत कर दी जाएगी। मजलिस बल्दी अजीम तर हैदराबाद के अलावा हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों ने इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज्म व नस्क के अहदेदारों से राबता कायम करते हुए इस प्रोग्राम के अहिया के मुतालिक मशावरत की है। बताया जाता है कि टैंकबंड पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम संडे फंडे के अहिया के बाद तारीख चार मीनार के दामन में एक इतवार के वक्फे यानी 15 दिन में एक मरतबा मुनक्किद होने वाले एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम के अहिया का भी जायजा लिया जाएगा। महकमे बल्दी नज्म व नस्क के अहदेदारों ने बताया कि टैंकबंड और चार मीनार के दामन में शुरू किए गए इन तफरीही प्रोग्रामों में अवाम के बेहतरीन रद्द अमल के बाद महकमे की जानिब से इन प्रोग्राम्स में मजीद बेहतरी लाने और तफरी के लिए पहुंचने वालों को मजीद सहूलतों की फराहमी के इकदामात किए जा रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बाद महकमे बल्दी नज्म व नस्क ने सेहत आमा के पेश नजर इन प्रोग्राम्स को मनसूख करने का फैसला किया था। लेकिन अब जबकि महकमे सेहत की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि अब रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की तीसरी लहर खत्म होने लगी है, तो अब संडे फंडे के अलावा एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम्स को दोबारा शुरू करने का जायजा लिया जा रहा। जर्मन टेन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन टेन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।